मेरा घर तो उड़े जा रहा है। मैं सिर्फ बैठ सकती हूँ इस तरह से। म्यूजिक कोई घर नहीं है तो इसलिए मैं बनाने वाली हूँ कार्डबोर्ड से अपना घर इसी छत पे। तो चलो देखते हैं कि मेरा घर मुझसे बन पाता भी है नहीं तो। और इस कड़ी धूप में मैं वीडियो बना रही हूँ, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। तो चलो अब चलते हैं अपना कार्डबोर्ड हाउस बनाने। कबाड़ी वाले, कबाड़ी, कबाड़ी वाले। तो यहाँ पर मेरी आंखें नहीं खुल रही है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इतनी धूप में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपना घर जो बनाऊंगी वो कार्डबोर्ड से बनाऊंगी और उसमें जो भी चीजें यूज करूंगी, जो भी कुछ भी होगा वो सब मैं बनाऊंगी कार्डबोर्ड से। यहाँ पर बहुत धूप है जिसकी वजह से मैंने लगा लिया है सनग्लास। की धूप इतनी है कि मेरी आंख नहीं खुल रही है, मैं आप लोगों से देख नहीं पाती हूँ, फिर आप लोगों से बात कैसे करती हूँ। चलो अभी बनाते हैं अपना घर का स्ट्रक्चर। तो अब इसकी रूफ मुझे बनानी होगी, तो मेरे पास एक और कार्डबोर्ड है वो मैं स्किप पड़ा। ये तो बार बार उड़ रहा है यार घर। कितना कमजोर है, घर तो उड़े जा रहा है। कमजोर है तुम्हारे दिमाग की तरह। ये चल के मेरे पास आ रही है गाइस कार्डबोर्ड। ताकि ये बन जाए, ऐसे करके हो जाए घर जैसा बन जाए थोड़ा बहुत। तो ये मेरा घर ऐसा हो गया जहाँ पर मैं सिर्फ बैठ सकती हूँ इस तरह से। म्यूजिक कोशिशें कर ली लेकिन मेरा घर नहीं बन पाया, बहुत मुश्किल हुई। और मैं मुझे अब रोना आ रहा है यार, मेरे पास घर नहीं रहने के लिए। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ऊपर वाले मेरी मदद कर। अरे उदास मत हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। तुम मेरे घर में बना सकती हो लेकिन तुम्हें उसका रेंट देना पड़ेगा। बताओ तुम्हें ये मंजूर है? रेंट देना पड़ेगा, ठीक है यार, यहाँ से तो अच्छा बन जाएगा ना। हाँ हाँ यहाँ से अच्छा बनेगा, बहुत ही अच्छा। चलो फिर वहीं चलते हैं और मैं अपना घर बनाऊंगी तुम्हारे घर में। तो मुझे मिल गया है एक रूम वो भी रेंट पे, और अब मैं बनाने वाली हूँ अपना कार्डबोर्ड हाउस। इसके मुझे पैसे ही भरने पड़ेंगे क्योंकि फ्री में तो आजकल कुछ मिलता नहीं है, और मेरी अपनी ही बहन मुझसे पैसे ले रही है। ये देखो ये पागल हो गया। बातें कम बनाओ और अपना घर जल्दी बनाओ। तो चलो क्या आप अपनी हेल्प करोगे मेरे घर बनाने में? तो जल्दी बोलो हाँ हाँ। तो यहाँ पे मैंने मंगवा लिया है अपना कार्डबोर्ड। सबसे पहले मुझे घर बनाने के लिए अपने इस रूम को साफ करना पड़ेगा क्योंकि रेंट का घर है और जो कि मुझे बिल्कुल भी साफ नहीं मिला है, तो खुद से सारा काम करना पड़ेगा मुझे। चलो करते हैं। उठाई के झाड़ू सफाई वाला, मिल जाए मंत्र स्वच्छता वाला। तो चलो अब इसको खोलते हैं और ये कार्डबोर्ड मैं लगाऊंगी अपने पूरे वॉल पे क्योंकि ये वॉल जो है ये ब्रिक से बनी है और मैं सिर्फ और सिर्फ रह सकती हूँ कार्डबोर्ड वाले घर। कार्डबोर्ड का घर बनाना पड़ेगा। अब ज्यादा कार्डबोर्ड ना करते हम काम पे लगेंगे। I want problem. तो जो कार्डबोर्ड वाले घर को बनाने में इतनी मेहनत लग रही है तो सीमेंट वाला घर बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी, तभी मुझे समझ आया। और हाँ मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही दो, जल्दी से कर दो लाइक क्योंकि यार बहुत मेहनत लग रही है घर बनाने में। करो करो मैं खड़ी हूँ अभी। कर दिया, थैंक यू, आप कितने अच्छे हो यार। काम पे लगो। तो गाइस मेरा ये पूरा वॉल रेडी हो चुका है कार्डबोर्ड से, और मेरे साथ एक बहुत ही भूतिया चीज हो रही थी अभी जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और बहुत गलत हुआ मुझसे कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जो मैं कील ठोक रही थी थक 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 थक, तो पीछे से भी वही आवाज आई थी। जब मैं कर रही थी उसके बाद रिपीट हो रहा था, मैं बहुत डर गई यार कैसे क्यों हो रहा था। पता नहीं ये रेंट का घर कैसा मिल गया मुझे, भूतिया रेंट रूम मिल गया, पता नहीं क्या होगा मेरा। आप चलो जल्दी से आगे का काम करते हैं। थक
थकान बहुत हो गई थी, तो मन को शांति देने के लिए मैंने थोड़ा योगा किया। Now I'm feeling better. मेरा घर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं बनाने वाली हूँ कार्डबोर्ड से बनी हुई कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें अपने घर पर सजाने के लिए। सबसे पहले अपने सोलह श्रृंगार करने के लिए मुझे चाहिए होगा एक मिरर, जो कि बहुत ही अच्छा बनाने वाली हूँ मैं। हाँ, अपनी शक्ल की तरह बिल्कुल वही गोल बनाई है तुमने। मैंने बना लिया है अपना मिरर। अब चलो इसको कट करते हैं जल्दी से। मुझे तो कटिंग करने में बहुत मजा आता है। गाइस, जो मेरी वीडियो के पीछे अभी मेरी कैमरा गर्ल बनी है, उसकी 1 मिलियन होने वाले इसके चैनल पे, मतलब महजबी ने चैनल पे, तो जल्दी से जाकर 1 मिलियन करा दो यार, खुश हो जाएगी। हाँ यार, प्लीज करवा दो, मैं खुश हो जाऊंगी। बोलती कितनी जल्दी है, प्रमोशन थोड़ी कर दो तुम, प्लीज करा दो। और हाँ, मुझे आप लोगों से ये कहना था कि आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और जैसे कि आपको दिखाओ कि नॉट सब्सक्राइब वाले लोग कितने सारे हैं, तो आप जल्दी से इसको कम कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि सब्सक्राइब वाले लोग ज्यादा हो जाए और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास खुद चल गया है। बहुत सालों बाद मेरा मिरर तैयार है। देखिए दुर्राटे काट रही हूं। मिरर में एक बार आप लोग मुझे देखो तो सही, आपकी नजरें नहीं हटेंगी। वाह, कितनी प्यारी लग रही है। इस मिरर से आर पार भी हो सकती हो ना तुम। गला घटिया। मेरे पास मेकअप करने के लिए मेरा मेकअप ब्रश तो है ही नहीं। चलो मैं इसको कट करके मेकअप ब्रश बनाती हूँ। और टूथपेस्ट, और मेरा टूथपेस्ट पता नहीं क्यों मुझे कैंडल लग रहा है, कुछ अजीब ही लग रहा है। टूथपेस्ट किस तरह से होता है ऐसे? ब्रश तो देखो उस तरह लग रहा है। मैंने अपना कॉम्ब भी बना लिया है और ये परफ्यूम भी बना लिया है। अब मैं इस घर में बैठकर तो बोर हो जाऊंगी, तो मुझे टीवी तो बनाना जरूरी है, उससे एंटरटेनमेंट तो होती रहेगी और मैं उसमें अपनी वीडियो चलाकर देखूंगी यूट्यूब पे अपनी तरह। बिल्कुल टेढ़ी टीवी बना रही है ये। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई। मेरी कार्डबोर्ड वाली दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और मेरा ब्लैंकेट तो देखो कितना अच्छा है। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। और इतने कैमरे वाला फोन आपने कभी देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये फोन सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। और इसमें जो वॉलपेपर लगा है वो मैं हूँ। कितनी क्यूट लग रही हूँ ना, स्माइली जैसी। हेलो कौन? और ये है मेरा कार्डबोर्ड कॉम। ये आज मैं पता नहीं क्या क्या चीजें ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो लाइक कर दो जल्दी से। सब अपनी लेते तो सवार लू। यार तुम्हारे अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, प्लीज परफ्यूम लगाओ। रुको रुको, मेरे पास एक बहुत अच्छा परफ्यूम भी है, जो कि है मारा का परफ्यूम। अगर आपकी बॉडी से भी आती है बदबू, तो आप भी लगाइए मारा का जैस्मिन खुशबू। अरे यहाँ खड़ी होकर क्या टाइम पास कर रही हो? तुम्हारे सजना का मैसेज आया है कि वो तुमसे मिलना चाहता है, तो जाओ अब जल्दी से 16 श्रृंगार कर लो। होम टूर दे देती हूँ। वैसे भी आप लोग कितनी देर सोच रहे हो कि मेरा कार्डबोर्ड का घर देखो, तो आओ दिखाती हूँ मैं आपको। ये है मेरा छोटा सा कार्डबोर्ड का घर, क्योंकि मैं बेघर थी, तो चलो अब मेरे पास रहने के लिए कोई तो जगह है। एंट्री गेट पे ही आपको मेरे घर का एक टीवी मिलेगा, जिस पर लिखा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जो कि आपको जल्दी से करना होगा। और यहाँ मेरी सैम स्क्वाड का नाम, और ये है समरीन अली टीवी, ऐसे टीवी। और ये है समरीन, जिसपे लिखा है, अगर आप पढ़ सकते हो पढ़ लेना वरना मत पढ़ो। कुछ दूर चल के आगे बढ़ के हमारे पास आता है एक मिरर, जिसमें मैं घुस भी सकती हूँ और निकल भी सकती हूँ। ओह नो, मैं अपनी खिड़की बनाना तो भूली गई, तो चलो जल्दी से खिड़की बनाते हैं। श्रिंक फ्रिंक सर्वलिंग, खिड़की बन जाए दिस बिल्डिंग।
खिड़की बनकर तैयार है। हाँ हाँ समझ गए, मेरी खिड़की की बुराई क्यों कर रहे हो आप लोग, मुझे पता है ये ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो यार, जैसा आता है वैसा ही बनाया अपना घर। क्या कोई मुझसे अपना घर बनवाना चाहेगा? अगर बनवाना चाहोगे तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। खिड़की के पीछे झांक लीजिए, कहीं किसी की लड़ाई तो नहीं हो रही? वह चुगली खो, आगे का काम कर। चलो हम आगे का छोड़ देते हैं, इधर आओ। ये है मेरा पिलो जिस पे मैं भी सो रही थी, और यहाँ पर मेरी कुछ जरूरत की चीजें, और ये है मेरा लैपटॉप जो कि है मैंगो का। आपने एप्पल बनाना के लैपटॉप देखे होंगे, मेरा मैंगो का लैपटॉप पहली बार देखा होगा। ये देखो, ये पहली बार लैपटॉप देखा होगा जो पूरा फोल्ड हो जाता है। तो यार ये लैपटॉप गिर रहा है यार, ये ऐसा लैपटॉप भी आपने देखा जो एक पेपर की तरह लग रहा है। मैं इसको न्यूज पेपर की तरह पढ़ सकती हूँ, और इसको मैं फोल्ड भी कर सकती हूँ, या तो मैं इसमें बैठ भी सकती हूँ, फैन के जैसे भी यूज कर सकती हूँ। लेकिन जो बात है, बहुत क्रिएटिव हूँ मैं, बहुत ज्यादा, आप लोग भी बोलना ही चाह रहे होंगे। तो मैंने आपकी मन की बात बोल दी, समरी क्रिएटिव है। टूटी हो यार तुम, ये लैपटॉप तो मैंने बनाया है। पाकिस्तान में मौजूद इकलौता गैंडा तन्हाई के बाइस बीमार हो गया। क्या हुआ बालिका? सब कुछ तो कर लिया, लेकिन मेरे पास खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। क्या खाऊंगी ये कार्डबोर्ड? चैलेंज तूने ये एक्सेप्ट किया है तो तुम्हें खाना भी कार्डबोर्ड ही पड़ेगा, तो जाओ और अपने लिए कुछ कार्डबोर्ड से बना कर लाओ। इसकी स्मेल मैं कैसे खाऊंगी यार? पहली बात स्मेल खाते ही स्मेल सुनते हैं। देखो ये है मेरी एप्पल वॉच, ये है मेरी मैंगो वॉच जिसमें बज रहे हैं अभी एक। चलो मैं पहन लेती हूँ इसको। वाह क्या सीन है। तो मुझे मिली है शकलका बूम बूम वाली मार्कर, और ये मैं ऐसे यूज नहीं कर सकती, मुझे इसको यूज करना होगा किसी को मारकर। तो चलो किसी को मारते हैं। तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी है, तो चलो मैं उसको मारकर अपना मार्कर बना लेती हूँ। मार दिया। अब आप लोग कैसे करके बताना कि मैंने किसको मारा है अपना मार्कर बनाने के लिए। अभी मुझे भूख लग रही है और मेरा मन कर रहा है फ्राइज खाने का, तो चलो फ्राइज बनाते हैं। फ्राइज आ गए। ये देखो मुझे मिला है टमेटो सॉस, अब मैं खा सकती हूँ अच्छे से फ्राइज। मेरा टीवी जो है बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ज्यादा, तो मैं इसको किसी रिमोट से चलाती, मैं बस बोलूंगी खुल जाओ सिम सिम, ऐसे टीवी स्टार्ट हो जाओ। इतने सारे कार्डबोर्ड के फ्राइज खा लिए, मुझे वॉशरूम जाना है, कार्डबोर्ड वाले वॉशरूम में कैसे जाऊँ? तो गाइस मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा और जल्दी से मुझे ये वीडियो एंड करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से उसको लाइक करो, शेयर करो, और मेरा कार्डबोर्ड हाउस अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और हाँ मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे कार्डबोर्ड की सबसे अच्छी बनाई हुई चीज क्या लगी, और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करो, आपका आईडी बेल्ट दिख रही होगी। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब चलो जल्दी से वॉशरूम जाती हूँ।